2.3 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझें। 2.3.1 अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। ट्वाइस HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Zn सॉलिड जिंक इज इक्वल टू ZnCl2 एक्वस जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस हाइड्रोजन। कुछ ऐसी धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिनका अध्ययन आपने पहले किया है। आइए क्षार की धातु से अभिक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3, एक परखनली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लें। परखनली में दिए गए चित्र के अनुसार 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालें। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे? इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ट्वाइस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn सॉलिड जिंक को गर्म करने पर Na2ZnO2 एक्वस सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस हाइड्रोजन। कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बच्चों, हम क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया पर एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वह है एक परखनली, होल्डर और धातु के रूप में हम ले रहे हैं दानेदार जिंक और क्षार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले परख नली को हम होल्डर में इस प्रकार फंसा लेते हैं। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए और अब हम ये जो दानेदार जिंक है इसे हम परख नली में डालते हैं और उसके बाद क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया हो रही है और आपको यहाँ सतह पर ये देखिए बुलबुले नज़र आ रहे हैं। अभिक्रिया के पश्चात यहाँ हमें गैस के बुलबुले नज़र आ रहे हैं। अब ये कौन सी गैस है, इसके परीक्षण के लिए हम परखनली के मुंह के सामने माचिस की जलती हुई तीली लेकर आएंगे। देखिए ज़रा आप ध्यान दें, ये देखिए ये जो लौ है आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण माचिस की तीली की जो लौ है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। तो इस अभिक्रिया में जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई तो हमें मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। इस अभिक्रिया का समीकरण आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जब क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है।